हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय डॉज प्रोसेस। तो इस डॉज प्रोसेस से हम फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करेंगे फिनोल में। तो क्या रिएक्शन रहेगी डॉज प्रोसेस के लिए? तो जब भी हम डॉज प्रोसेस से फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और जब इस क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे हमें मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। और जब इस सोडियम फिनोक्साइड का हम करेंगे एसिडिफिकेशन, तो स्टूडेंट जब हमें सोडियम फिनोक्साइड मिलता है तो उसको फिनोल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। हम उस सोडियम फिनोक्साइड का करेंगे एसिडिफिकेशन बाई डाइल्यूट HCl, तो उससे हमें फिनोल मिल जाएगा। तो यहां पर इस सोडियम फिनोक्साइड का भी हम करेंगे एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन हम करेंगे बाई डाइल्यूट HCl। तो जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl से, तो वहां पर हमें मिलेगा फिनोल। और फिनोल के साथ साथ यहां से रिमूवल होगा सोडियम क्लोराइड का। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से सोडियम फिनोक्साइड फिनोल में कन्वर्ट होता है जब हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं डाइल्यूट HCl से? तो HCl एक एसिड है, वहां से हमें H+ आयन मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा। जो H+ आयन हमें HCl से मिलेगा वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलता है सोडियम आयन, और इससे मिलता है हमें क्लोराइड आयन, और वही कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और जब ये H+ आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो वहां से हमें मिलेगा फिनोल। तो ये रिएक्शन रहेगी डॉज प्रोसेस के लिए, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करेंगे फिनोल में। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे हमें मिलता है सोडियम फिनोक्साइड। और जैसे ही हमें सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, हम उसका एसिडिफिकेशन करेंगे बाय डाइल्यूट HCl, और हमें मिलता है फिनोल, और इसके साथ साथ रिमूवल होगा सोडियम क्लोराइड का। तो इस क्लोरोबेंजीन को हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन से। जब इस बेंजीन का हम करेंगे क्लोरीनेशन, तो बेंजीन के क्लोरीनेशन से हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। तो इस बेंजीन के क्लोरीनेशन के लिए हमें इस बेंजीन की रिएक्शन करनी होगी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या FeCl3 के साथ। तो जब बेंजीन का हम क्लोरीनेशन करेंगे, उससे मिलता है हमें क्लोरोबेंजीन, और इसी क्लोरोबेंजीन का हम यूज करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, और उस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, क्या मैकेनिज्म रहेगा इस डॉज प्रोसेस के लिए? अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लोरोबेंजीन फिनोल में कन्वर्ट हुआ है जब हमने उसकी रिएक्शन की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो स्टूडेंट्स, क्या कुछ मैकेनिज्म रहेगा डॉज प्रोसेस के लिए जिसमें हम क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करते हैं फिनोल में? तो स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म के दो नाम रहेंगे। इसको हम कई बार बोलते हैं द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बेंजाइन मैकेनिज्म भी कई बार हम इसको बोलते हैं। डॉज प्रोसेस का मैकेनिज्म रहेगा बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो जो डॉज प्रोसेस के लिए मैकेनिज्म है उसके लिए नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, क्या है ये बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, और जब इस क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलता है हाइड्रोक्साइड आयन, और इसी हाइड्रोक्साइड आयन का है स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर। तो इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर है, तो इसको H+ आयन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको H+ आयन कहाँ से मिलेगा?
इसको H प्लस आयन मिलेगा इस क्लोरोबेंजीन से, तो ये H प्लस आयन का रिमूवल करेगा इस क्लोरोबेंजीन से उस कार्बन एटम से, जो उस कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम होगा जिसके साथ क्लोरीन एटम अटैच है। तो क्यों इसी हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर रहेगा, यहाँ पर हमें मिलता है क्लोरीन जिसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वही रेस्पॉन्सिबल होगा इस हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर के लिए। तो इसी एसिडिक हाइड्रोजन को ये स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव करेगा और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोक्साइड आयन इस H प्लस आयन का रिमूवल करेगा इस क्लोरोबेंजीन में से, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहीं पर इस कार्बन एटम पर रह जाएंगे। तो इससे हमें मिलता है एक कार्ब एनायन जिसमें हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा उस क्लोरोबेंजीन के इस कार्बन एटम पर। तो ये हमें कार्ब एनायन मिलता है जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से रिमूवल होगा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट जो ये कार्बन आयन हमें मिला है इस कार्बन एटम पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी, तो ये क्लोरीन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन एटम्स के बीच में आ जाएंगे तो उसी टाइम पर यहाँ से क्लोराइड आयन का भी रिमूवल होगा। तो जब यहाँ से इस कार्बन आयन से क्लोराइड आयन का रिमूवल होगा तो वहां से हमें एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें बेंजीन रिंग में हमें एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स और इसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन। तो डॉज प्रोसेस के मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके मैकेनिज्म में एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। अब इस बेंजाइन की हाई रिएक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इस रिंग में यहाँ पर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड मिलता है इन कार्बन एटम्स के बीच में और जो भी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स रहेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम्स की sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी तो वहां पर बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 180 डिग्री, लेकिन इस रिंग में बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री से बहुत ज्यादा कम है। तो इसी ट्रिपली बॉन्डेड के कारण इस बेंजाइन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहेगी और उसी हाई स्ट्रेन के कारण इस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो यही हाईली रिएक्टिव बेंजाइन अब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलते हैं OH- आयन। तो यही OH- आयन इस बेंजाइन के या तो इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा या इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। तो हम यहाँ पर इस बेंजाइन पर इस कार्बन एटम पर अटैक करेंगे इस हाइड्रोक्साइड आयन का, तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे हमें एक कार्बन आयन और मिलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज हमें उस कार्बन एटम पर मिलेगा जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो यहां भी हमें एक कार्बन आयन मिलता है और इसी कार्बन आयन का एसिडिक नेचर रहेगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन एटम से अटैच है उसी का रहेगा एसिडिक नेचर। तो जैसे ही यहाँ से H प्लस आयन का रिमूवल होगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, बिल्कुल उसी टाइम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें मिलता है सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगी, इस ऑक्सीजन पर हमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इसी पर मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज और इसी के साथ अटैच होगा सोडियम आयन और इस कार्बन एटम के पास आया है वो हाइड्रोजन एटम जिसे इस OH ग्रुप ने लूज किया था और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनोक्साइड। तो इस सोडियम फिनोक्साइड में जो सोडियम आयन है वो कहाँ से आया है, वो आया है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिसका हाइड्रोक्साइड आयन
यहाँ यूज हो गया था जिसने बेंजाइन पर अटैक किया था, जो सोडियम आयन यहाँ से हमें मिलता है वही सोडियम आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और बना लेगा सोडियम फिनोक्साइड। तो स्टूडेंट जैसा हमें पता है कि जब भी सोडियम फिनोक्साइड हमें किसी रिएक्शन में मिलता है तो हम उसको इजीली फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी सोडियम फिनोक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट HCl और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। तो सोडियम फिनोक्साइड का हम करेंगे यहाँ पर एसिडिफिकेशन, और जब इस सोडियम फिनोक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है फिनोल, और इसके साथ साथ यहाँ से रिमूवल होगा सोडियम क्लोराइड। तो किस तरह से होगी ये रिएक्शन, यहाँ इस HCl से हमें मिलेगा H+ आयन और क्लोराइड आयन, और यही H+ आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होगा और यहाँ से सोडियम आयन का रिमूवल हो जाएगा, और यही सोडियम आयन जब इस क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा वहां से सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से सोडियम फिनोक्साइड कन्वर्ट हुआ है इनटू फिनोल। तो स्टूडेंट्स ये मैकेनिज्म था जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म रहेगा डॉज प्रोसेस, और डॉज प्रोसेस से हम क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करते हैं फिनोल में, और ये प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो किस तरह से रहेगा ये बेंजाइन मैकेनिज्म एक बार फिर दोबारा से देखते हैं इसको। तो हम लेंगे सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, और उस क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसका हाइड्रोक्साइड आयन इस क्लोरोबेंजीन के H+ आयन का रिमूवल करेगा, और वहां से हमें मिलता है एक कार्बन आयन, और वही कार्बन आयन फिर कन्वर्ट होगा बेंजाइन में जब इस कार्बन आयन में से क्लोराइड आयन का रिमूवल होगा, और बेंजाइन में हमें किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और उसी बेंजाइन की होगी हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेन इन द रिंग। तो उसी हाईली स्ट्रेन रिंग के ऊपर अटैक करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी रिएक्शन मिक्सर में प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये हाइड्रोक्साइड आयन किसी भी एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करेगा, उसी टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे, और उससे हमें मिलता है कार्बन आयन, और उस कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज हमें उस कार्बन एटम पर मिलेगा जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा उस कार्बन एटम से जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, और इसी OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसका एसिडिक नेचर रहेगा, और जैसे ही ये H+ आयन लूज करेगा OH ग्रुप, उसी टाइम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस H+ आयन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम फिनोक्साइड में, और इसी सोडियम फिनोक्साइड का हम करेंगे एसिडिफिकेशन बाय डाइल्यूट HCl, तो उससे हमें मिलता है फिनोल, और फिनोल के साथ साथ वहां से रिमूवल होगा सोडियम क्लोराइड का। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैकेनिज्म था डॉज प्रोसेस के लिए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल बाय डॉज प्रोसेस, और डॉज प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं।